लेकिन तब तक वो मीडिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संचालित होती है, बाबा को पकड़ लो, बाबा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब इतना चलाती है कि उस बेचारा पुलिस वाले पे ऊपर से दबाव आता है, अरे नौकरी चली जाएगी, बाबा को पकड़ लो। तो बाबा को पैर छूता है, बाबा मेरी नौकरी है, बाबा सोचता है बेचारे का नौकरी चली, चल मैं तुम्हारे लिए जेल भी चला जाता हूं। इस तरह तो बेचारा बेकसूर संत जेल चला जाता है, न उस पे पुलिस वाले का दोष है, ये दोष व्यवस्था की है, ये दोष ऊपर बैठे हुए सत्ताधारी लोगों की है। इसलिए संत आयोग का गठन बहुत ही आवश्यक हो गया है। तीसरा, संतों के खिलाफ मीडिया ट्रायल को रोका जाए। एक संत पकड़ा जाता है, इतनी ट्रायल कराई जाती है कि पूरे संत समाज, एक कोई नेता पकड़ा जाता है, एक एक जघन्य कामों में पकड़ा, क्या सभी नेताओं पे दिखाता है क्या कि नेता सब भ्रष्ट है, सब बेईमान है पूरे संसद में? एक किसी ने, साध्वी प्राची ने बोल दिया था कि संसद में बलात्कारी बैठे, उसको नोटिस चला गया। अरे तुम पूरे संतों को भ्रष्टाचारी कहते हो, बेईमानो, तुम्हें नोटिस आखिर कौन भेजे? इसलिए मीडिया ट्रायल को रोकना होगा, संतों के खिलाफ जो गलत मीडिया ट्रायल है। अरे एक सजा किया, एक अपराध किया तो एक अपराध की सजा एक होती है, लेकिन संतों में ऐसी व्यवस्था होगी, संत अगर एक कोई गलती से जेल चला गया, आरोप लग गया, उसकी आश्रमों की खुदाई तक कर दी जाती है, उसको पूरी बर्बाद करने का प्रयास कर दिया जाता है, उसकी मान सम्मान सब कुछ को जितना हो सके बर्बाद करने पे। तो ये कोई यहां के लोग नहीं कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो मीडिया है, मीडिया को संपादक नहीं चला रही, मीडिया को मालिक भी नहीं चला रहे, मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गाइड हो रहा है, वहां से फंडिंग दिया जाता है, पैसा लो इसके खिलाफ ठोको। तो इसलिए सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाए कि संतों के खिलाफ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है उसको रोका जाए। दूसरी, अभी अखाड़ा की बात आई, अजय जी ने भी अखाड़ा के बारे में बोला, घनश्याम मंदन जी महाराज ने बोला, अखाड़ों के लिए संत महासभा ने निर्णय लिया है, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अगर मेरी बात सही हो, सब लोग ओम का उच्चारण अंत में करेंगे, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने जो जारी किया सूची, उस पर यह संत महासभा की तरफ से प्रस्तुति है, और बिना भेदभाव किए परमात्मा को साक्षी मान करके इस प्रकार के संत समाज ने निर्णय लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिनांक 10/9/2017 को, अरे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिनांक 10/9/2017 को अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की अध्यक्षता में, यह महंत हरिगिरी जी के प्रस्ताव पर, कथित फर्जी संतों की सूची पर चिंतन मनन के बाद यह अंतिम निर्णय लिया गया है कि उक्त सूची दुर्भावना यूं अपनी नाकामियों को छुपाने के उद्देश्य से अखाड़ा परिषद द्वारा जारी किया गया था। जो धर्म सम्मत और संवैधानिक भी नहीं है, इससे न सिर्फ हिंदुत्व को नुकसान होगा बल्कि धर्म परिवर्तन को भी बल मिलेगा। अतः दिनांक 10/9/2017 के कथित फर्जी सूची को तत्काल प्रभाव से संत महासभा द्वारा निरस्त किया जाता है। तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, और सुझाव दिया जाता है कि जिसके घर शीशे के होते वो पत्थर वालों पे ईंटा नहीं फेंकते। वतन की फिक्र करना दाह मुसीबत आने वाली है। आज अगर बापू फंस गए, राम रहीम जी फंस गए, अगर रामपाल जी फंस गए, तो ये नहीं कि अखाड़े के लोग बचे रहोगे। वतन की फिक्र करना दाह मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, फना हो जाओगे अगर न संभले तो ये अखाड़ों वालों, तेरी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में।